हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल की एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके ज़रिए से आपका दिल क्या है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। दोस्तों ऐसी सेटिंग ही किसी ने यूट्यूब पे शायद ही बनाई हो, लेकिन दोस्तों मुझे पता चला तो मैंने तो सोचा कि मेरे व्यूवर्स को ये सेटिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। क्योंकि हम गूगल के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं, कौन सा डेटा हमारा कब कहाँ पर शेयर होता है, कौन सा डेटा कब कहां पे लीक होता है, ये हमको खबर नहीं होती है। लेकिन ये सेटिंग जानने के बाद आप गूगल के साथ में इस तरीके से सेटिंग करोगे कि आपका कोई भी डेटा या कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी आपकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो तो वो आपकी कहीं पे भी लीक नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो में आपको दोस्तों एक भी चीज़ सीखने मिली तो लाइक ज़रूर कर दूँ। और अगर आप आपके भाई को फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको देखिए सिंपल सी बात, एक हिंट दूंगा कि इस तरीके का मतलब जो चीज़ होती है, जो चीज़ के बारे में मैंने अभी इससे पहले बात की है कि भाई अगर आपका कोई भी डेटा किसी के साथ में शेयर नहीं हो, किसी आपकी प्राइवेसी का सवाल पैदा होता है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते थे अगर वो चीज़ गूगल के रिलेटेड हो, यानी गूगल के साथ में हमारा जो कनेक्शन हो वो गूगल के साथ हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कई साल पहले यानी बहुत साल पहले आपने के कोई ऐप डाउनलोड किया गूगल प्ले स्टोर से, उसमें आपने अपनी जो पर्सनल ईमेल आईडी है या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आपने लॉगिंग वगैरह किया, ठीक है, और उसके बाद वो ऐप आपके फ़ोन फुल हो जा स्टोरेज फुल हो जाता है या वो ऐप में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो आप उस ऐप को डिलीट कर देते हो। लेकिन आपको ये बात एकदम श्योर होती है कि आपने उस ऐप को डिलीट तो कर दिया तो आपका डेटा उसमें सुरक्षित है, आपका जीमेल आईडी लॉगिंग नहीं है, ये आप श्योर हो? बिल्कुल भी श्योर नहीं हो सकते हो। लेकिन गूगल ने हमको एक चीज ये बातें बता दी है, अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, अगर उसको अनइंस्टॉल कर देते हो लेकिन आपका उसके अंदर डेटा मौजूद होता है, आपका वो जीमेल आईडी आपने जो डाला होता है वो उसमें मौजूद होता है, तो उसको आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो, उसको किस तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो? बल अगर उसको ख़त्म कर दोगे तो आपका जो जीमेल आईडी है आप जब उसको दोबारा इंस्टॉल करोगे तब आप डाल सकते हो, बट आप उसे अगर इंस्टॉल करना ही नहीं चाहते हो, वो पूरी तरीके से आपने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया क्योंकि उस ऐप के ऊपर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। पहले जब नया आया था तो जब आपका इंटरेस्ट उस पर था, आपने अपने जीमेल आईडी या फ़ोन नंबर से आपने लॉगिन कर लिया था, बट अभी आपको उस ऐप से इंटरेस्ट नहीं है, आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल तो कर दिया बट आपका जीमेल और आपका फ़ोन नंबर उसमें अभी भी सेव होगा, तो उसको आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हो और डिसकनेक्ट कर सकते हो, वो भी आप अगर कोई नया फ़ोन लेते हो या जो फ़ोन आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर से आप पूरी तरीके से किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा, सिर्फ और आपको एक स्टेप ही आपको फॉलो करना है, मैं अभी मोबाइल पर जाके बताऊंगा कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करते करते ज़रूर जाना, और मुझे फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा सेटिंग के अंदर चला जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हर एक मोबाइल में, मेरा सैमसंग का फ़ोन है, हर एक मोबाइल में एंड्रॉयड, अगर किसी का भी एंड्रॉयड होता है तो उसमें एक सेटिंग ज़रूर दी होती है। यहाँ पे देखिए गूगल सेटिंग, आपको पता है कि एंड्रॉयड भी गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल का प्रोडक्ट है तो गूगल की जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर गूगल का जो सेटिंग है वो हमेशा दिया ही होता है, और एंड्रॉयड भी एक गूगल का प्रोडक्ट है तो इसमें भी आपको ये गूगल की सेटिंग मिल ही जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो गूगल की सेटिंग अगर आपको मिल जाती है तो यहाँ पे सिंपल सा गूगल की सेटिंग में आपको चला जाना है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग नाम के लिए नहीं दी होती, ये आपको बताती है कि अगर आपको गूगल की प्रोडक्ट के साथ में कोई भी अगर दिक्कत होती है यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे सबसे नीचे आपको सेटिंग फॉर गूगल ऐप जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्या करना है, चला जाना है। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, आप जो भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं, बहुत साल पहले आपने डाउनलोड किया अपने जीमेल आईडी से या अपने ईमेल आईडी से या अपने फ़ोन नंबर से, ठीक है, वो यहाँ पे अगर आपने डिलीट भी कर दिया हो,
उसको अपने इसमें अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल भी कर दिया हो, लेकिन गूगल की गूगल का जो जीमेल है वो उसके अंदर होता ही है, तो उसको आप किस तरीके से आप उसमें से पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर सकते हो वो यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स में चला जाना है और सिंपल से आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद देखिए कनेक्टेड ऐप, भले आपने अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दिया लेकिन आपका जो जीमेल आईडी है वो कनेक्टेड होगा इस ऐप्स के साथ में। ठीक है, तो आपको उसको किस तरीके से डिसकंटिन्यू करना है, तो सिंपल से आपको सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्टेड ऐप करके लिखा हुआ है, कनेक्टेड ऐप्स करके इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने जो भी जीमेल आईडी से आपने कई साल पहले उस ऐप में इंस्टॉल किया है, उस ऐप से लॉगिंग किया है, उस जीमेल आईडी को क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसी जीमेल आईडी को मैं क्या करूँगा सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐप्स आ जाएंगे जो आपके मोबाइल में अभी नहीं है, पहले थे पर आपने उसको अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर लिया है, फिर भी लेकिन ये जीमेल आईडी से उसमें लॉगिंग किया हुआ है। ठीक है, तो आप किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं एक ऐप ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको डिसकंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस ऐप को मैंने अपने मोबाइल से क्या किया है डिलीट कर दिया है। ठीक है, अनइंस्टॉल कर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिस ऐप कैन एक्सेस, यानी कि इस जीमेल आईडी से ये जो ऐप है वो एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी उसके साथ में मेरा जीमेल आईडी एक्सेस रहे, तो मैं क्या करूँगा सिंपल से क्या करूँगा यहाँ से मैं अपने मोबाइल से ही इसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो सिंपल से मैं क्या करूँगा डिसकंटिन्यू कर दूंगा। ये पूछेगा डू यू वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू दिस ऐप फ्रॉम गूगल, हाँ, तो मैं गूगल से इस ऐप को क्या करूँगा डिसकंटिन्यू करूँगा, मेरा वो जीमेल से लॉगिंग था वो पूरी तरीके से यहाँ से क्या होगा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये ऐप यहां से निकल गया है। अब आपका जो भी ऐप, जो पुराना ऐप आपने इंस्टॉल किया था और जो जीमेल आईडी से आपने इंस्टॉल किया था उस जीमेल आईडी से वो अभी पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू हो गया, भले आप यहां पे अनइंस्टॉल भी कर दे हो लेकिन वहां पे एक्सेस होता है तो आपके जो डेटा है वो लीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस कारण की वजह से गूगल ने हमें ये सेटिंग अपने एंड्रॉइड मोबाइल में दिया है। ठीक है, तो ये सेटिंग के थ्रू अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो आप यहां से भी क्या कर दीजिए डिसकंटिन्यू कर दीजिए। जब आप वापस से उसे अगर आपको उस ऐप की ज़रूरत होगी तो आप वापस से इंस्टॉल करके उसे क्या कर सकते हैं लॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप वीडियो मुझे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर बताना और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो सब्सक्राइब करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर